क्लास में हमने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस और टू ब्रांचेस और टू सब टाइप्स, फार्माको काइनेटिक्स और फार्माको डायनेमिक्स। काइनेटिक जो वर्ड है ये काइनेसिस से आया है, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग का बॉडी में मूवमेंट की स्टडी करते हैं, और फार्माकोडायनेमिक्स में जो डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक मतलब होता है पावर, मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी और बॉडी ड्रग के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स देगी। तो बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एलिमिनेट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी और ड्रग का एब्जॉर्प्शन करेगी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ए डी एम ई, अच्छा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट और बॉडी ड्रग फार्माकोडायनेमिक्स में हम बॉडी पे पढ़ते क्या हैं कि करता है? ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी। ठीक है, ड्रग जब हम खाएंगे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट देगी। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, हमने पैरासिटामोल खाई तो पैरासिटामोल ने हमारे बुखार को ठीक कर दिया। तो कैसे ठीक किया, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पैरासिटामोल के यूजेस क्या है, क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, किन कंडीशंस में हम पैरासिटामोल यूज करते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, उसकी स्टडी हम करेंगे फार्माको डायनेमिक्स में। और फार्माको काइनेटिक्स में हमने पैरासिटामोल खाई तो हमने किसी न किसी रूट से ली होगी, या तो आईवी या तो ओरल। जैसे हमने टैबलेट फॉर्म में ओरल रूट से ली तो वो हमारी स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके वो डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोशिएट होगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलिज्म होगा और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। और जब हम पैरासिटामोल खाएंगे, 15 मिनट में हमारा बुखार कम होना शुरू हो गया या 5 मिनट में कम होना शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है दवाई खाने के कितनी देर बाद एक्शन आ रहा है। जब भी हम कोई दवाई खाते हैं तो किसी दवाई का एक्शन 15 मिनट में आता है, किसी का 20 मिनट में आता है, और जब हम दवाई खाते हैं तो उसका एक्शन कब तक बरकरार रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो जब तक दवाई हमारे खून में है तब तक दवाई अपना असर दिखाई। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल कैटेगरी का ड्रग, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये दवाई हमारे खून में अराउंड 7 दिन तक रहती है, तो इसका डोज हम महीने में 4 बार लेंगे, वंस अ वीक, है ना। कुछ दवाइयों का बीडी होता है ना, कुछ दवाइयों का बीडी होगा, कुछ दवाइयों का ओडी होगा, कुछ दवाइयों का टीडीएस होगा। तो ये हमें पता कैसे चला कि कोई दवाई 24 घंटे में एक बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, कहाँ में एक बार लेनी है, ये हमें कैसे पता चला। ये हमें फार्माकोलॉजी की हेल्प से पता चलता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस ड्रग की फार्माकोलॉजी लिखो, तो आपको फार्माकोलॉजी में ये डिटेल्स बतानी पड़ेगी कि वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रहा है हमारी बॉडी में। मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या बताया था, लीवर। आपको लीवर के पास एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करते हैं, और इसके मैंने आपको टू फेजेस भी बताए थे, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन है, मिथाइलेशन रिएक्शन है, कंजुगेशन है, ये सारे इसके रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। और ड्रग के एलिमिनेशन के आपको मैंने रूट्स क्या बताए थे, एक तो यूरिन के थ्रू होगा, फिसेस के थ्रू होगा, बाइल्स के थ्रू होगा, है ना, लंग्स, लंग्स के थ्रू होगा। और हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताए थे, ओरल रूट बताया था, टॉपिकल रूट बताया था, इनहेलेशन रूट बताया था और पेरेंट्रल रूट बताया था। इन रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में आता है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में ये आ सकता है, व्हाट इज फार्माको डायनेमिक्स, यदि आपसे पूछेंगे तो आप एडीएमई को एक्सप्लेन करोगे, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन।
और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एक्शन को प्रभावित करते हैं, ये भी मैंने आपको बताए थे। जैसे हम एम्प्टी स्टमक में यदि ड्रग कंज्यूम करते हैं तो वो एब्जॉर्ब जल्दी होगा, एब्जॉर्ब जल्दी होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और वहां जाके वो अपना एक्शन जल्दी प्रोवाइड करेगा। और आईवी के रूट में डायरेक्ट हमारा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जाता है, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट पेरेंट्रल निडिल के थ्रू आईवी में या इंट्रामस्कुलरली या इंट्रा आर्टिकुलरली हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। जैसे पेरेंट्रल रूट, स्किल्ड स्किल्ड आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, नर्स इंजेक्शन लगाएगी या डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, है ना। सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद आप दवाई अपने शरीर में नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आप ओरल रूट के केस में आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो। एक सेल्फ मेडिकेशन का मीनिंग ये भी निकलता है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम कोई भी ड्रग मेडिकल स्टोर से खरीद के खा ले, एक ये भी मीनिंग निकलता है। और एक ये मीनिंग निकलता है कि भाई आपको दवाई दी तो इंजेक्शन आपने खुद ही ने लगाने की कोशिश कर ली, पर ऐसा आप करोगे तो जान जा सकती है, क्योंकि जो इंजेक्शन ऑयल बेस्ड रहते हैं उसको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। यदि वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन आईवी रूट से दे दिए जाएंगे तो मरीज की इमिडिएटली डेथ हो सकती है और एक इमरजेंसी जल्दी कंडीशन आ सकती है। तो ये सब हमने देखा था। ड्रग क्या होती है ये भी हमने देखा था। दवाई बीमारी के लक्षणों को दबाएगी, बीमारी को ठीक करेगी और डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। डायग्नोसिस मतलब होता है बीमारी की जांच करना। जब कोई मरीज डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताता है, अपनी बीमारी के लक्षण बताता है, उस लक्षण के आधार पर डॉक्टर उसकी बीमारी का निर्धारण करता है, उसको कंफर्म करता है कि उसको कौन सी बीमारी है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को ठंडी लग के बुखार आ गया तो उसको मलेरिया हो गया। डॉक्टर डायग्नोसिस लिखेगा तो कहेगा कि भाई आप मलेरियल किट से टेस्ट कर लो या आप ब्लड का टेस्ट करवाओ, आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है, उस हिसाब से उसको मेडिकेशन देगा। ठीक है, जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी फील हो रही है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि भाई इसको डायबिटीज हो सकता है, वेट गेन हो रहा है ना। मूवी देखने बैठा है मरीज और लोगों का इंटरवल एक बार होता है, मरीज 4 बार उठ के जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज कैसे कंफर्म होगा? या तो हम उसके यूरिन का टेस्ट करेंगे, या तो हम उसके ब्लड का टेस्ट करेंगे, है ना। ग्लूकोमीटर की हेल्प से हम उसको, आपने देखा होगा स्ट्रिप पे ब्लड का एक ड्रॉप आप डालते हो उसमें रीडिंग आ जाती है ना। तो फास्टिंग मतलब भूखे यदि आप हो, खाली पेट हो, तो ब्लड में ग्लूकोज का क्या नॉर्मल रेंज है, यदि आप खाना खाते हो तो कितना बढ़ता है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है, तो उसके आधार पे हम फास्टिंग कंडीशन में और खाना खाने के बाद का ग्लूकोज कितना है, तो ये सब हम चेक करके पता करते हैं कि मरीज को डायबिटीज है या नहीं। तो ये सब डायग्नोसिस में जो सब्सटेंसेज हम यूज करते हैं ये भी ड्रग कहलाते हैं। ठीक है, और किसी भी बीमारी का लक्षण है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन का कॉज क्या है? बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, ये है कॉज। हम इसको इरेज करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये ड्रग का साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहलाता है। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है सेल को किल करना। तो जो सेल हमारी बॉडी में बाहर से आता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारी बॉडी में एक्सटर्नली आते हैं, इनहेलेशन के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके लिए हम जो क्योर देंगे वो क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स। लेकिन इन्फेक्शन के केस में यदि मुझे पेन हो रहा है, पेन को कम करने के लिए जो जो मैं ड्रग दूंगा, सपोज एनएसएड देता हूँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, तो ये पेन के सेंसेशन को कम करेगा। तो इसने लक्षणों को दबा दिया, लक्षणों को जो ड्रग दबाएगा तो उससे मरीज को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हमको कारण को, कॉज को भी तो इराडिकेट करना जरूरी है, कॉज को भी तो हमें एलिमिनेट करना है। यदि इन्फेक्शन हमारा ट्रीट नहीं होगा, क्योर नहीं होगा, तो हमारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं। यदि मुझे किसी स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो रहा है, ठीक है, और मैंने पेन किलर कंज्यूम किया, तो पेन किलर 4 घंटे तक मेरे पेन को कम कर देगा, उसके बाद मैं फिर ओवर थिंकिंग करूंगा, फिर स्ट्रेस स्ट्रेस में रहूंगा, तो फिर मुझे हेडेक होने लगे। तो कारण क्या है? सरदर्द का हेडेक, हेडेक हेडेक का कारण है स्ट्रेस सपोज, या ओवर थिंकिंग है, या आपको कोई चिंता है। तो जब तक कॉज को आप इरेडिकेट नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ड्रग टारगेट साइट क्या होती है? जहां पर ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती है। ये हमारा सेल है, सेल का मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, और यहां पर होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पे ऐसी साइट होती है जहां पर ड्रग बाइंड करती है। ड्रग को हम लिगेंड भी बोलते हैं,
और ये बायोमोलिक्यूल भी हो सकता है। बायोमोलिक्यूल मतलब ह्यूमन बीइंग्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। किसी भी जिंदा चीज में मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, लिपिड होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, तो ये सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं रिसेप्टार, जिससे ड्रग बाइंड करता है, ठीक है। रिसेप्टार, रिसेप्टार किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन से रिसेप्टार बना होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और इससे हमारा ड्रग बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद एक्टिविटी शो करता है। एक्टिविटी मतलब ड्रग का असर, ड्रग का प्रभाव हमारे शरीर पर। तो वो कब आएगा? जब ड्रग बाइंड होगी रिसेप्टार से। ड्रग के हमारे शरीर में काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, इसमें से एक तरीका है रिसेप्टार। एक तरीका है किसी एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इनिबिट कर दिया जाएगा या तो एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस कर दिया जाएगा। इंड्यूस मतलब बढ़ाना, और इनिबिट करना मतलब कम करना। तो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको स्पीड अप कौन करता है? एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को आप इंड्यूस भी कर सकते हो और इनिबिट भी कर सकते हो। तो ये भी एक दवाई के काम करने का तरीका है, ठीक है। एक होता है कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से। कैरियर मॉलिक्यूल क्या होता है? ये हमारा मेम्ब्रेन है, किसी ड्रग को अंदर जाना है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है। ये सब मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ। ये सब सेल क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स, है ना, और हमारी बॉडी की स्मॉल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। तो दवाई जब हम खाते हैं तो वो किस पे असर दिखाएगी? सेल पे असर दिखाएगी, या तो वो सेल के अंदर न्यूक्लियस पे भी असर दिखा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं वो कहाँ असर दिखाते हैं? सेल के न्यूक्लियस पर। तो सेल के न्यूक्लियस तक उसको पहुंचने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए प्रोटीन बाइंड करेगा ड्रग से और उसको अंदर लेके जाएगा, तो उसी को हम करियर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। कैरी करके लेके जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा अंदर जाने, है ना। और एक होता है हमारा रिसेप्टार। रिसेप्टार भी आपके चार टाइप के होते हैं, ठीक है। जीपीसीआर रिसेप्टार होता है, आयन चैनल लिगेंड गेटेड, है ना, वोल्टेज चैनल रिसेप्टार होता है, और न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर न्यूक्लियस पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पर सेल का न्यूक्लियस होता है। तो ड्रग इस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ड्रग टारगेट साइट क्या होती है? ऐसी साइट जहां पर ड्रग पहुंच के अपना एक्शन देगी, और ड्रग अपनी साइट पे पहुंचेगी तभी तो अपना एक्शन देगी। हमने दवाई खाई, हम बीमार थे, हमारी बीमारी ठीक हुई, तो वो कैसे ठीक हुई? हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारा नी में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, मसल्स में स्पाज हो रहा है, दर्द है हमारे शरीर में। अब इस दर्द को हमें कम करने के लिए हमने दवाई खाई, तो दवाई तो हमने खाई तो पेट में गई, लेकिन हमारा घुटने का दर्द ठीक हो गया, एड़ी का दर्द ठीक हो गया, हमारा सिर दर्द ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? दवाई जब हमारे शरीर में जाती है तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तभी तो वो पेट में गई तो भी उसने सर दर्द ठीक कर दिया, पेट में गई तो भी उसने एड़ी का दर्द ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि खून हमारे पूरे शरीर में बहता है, और जब दवाई सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है, खून में मिक्स हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है, तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर कंपार्टमेंट में जाएगी। जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, टॉप टू बॉटम 10 सिस्टम जो हमारी बॉडी में होते हैं, में ड्रग सर्कुलेट करेगी, और हर सिस्टम ड्रग पे अपना प्रभाव दिखाएगा, और ड्रग भी उस सिस्टम पे अपना प्रभाव दिखाएगी। जैसे किसी मरीज ने सिट्राजिन खाई, उसको इचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी, उसने सिट्राजिन खाई तो उसको मदहोशी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि सिट्राजिन का ये साइड इफेक्ट है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट दिखाती है, तो मरीज को ड्राउजीनेस आने लगती है ना। जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है उसका हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की बनी है, तो फॉस्फोलिपिड में जो ड्रग लिपिड लविंग होगी, जिसको हम लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग कहते हैं, तो वो ड्रग आसानी से हमारे हर कंपार्टमेंट में जा पाएगी, और जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक नेचर की होगी वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन पर भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो आपने देखा होगा बहुत सी ड्रग्स हम खाते हैं तो उसके साथ हमें एडिशनल इफेक्ट मिलते हैं, तो इसी को हम ड्रग के साइड इफेक्ट बोलते हैं। एक होता है डिजायर्ड इफेक्ट, जिसकी हमें जरूरत है ना। एक होता है डिजायर्ड इफेक्ट, जिसकी हमें जरूरत है, और एक है अनडिजायर्ड इफेक्ट, जिसकी हमको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो आएगा, इसी को हम साइड इफेक्ट कहते हैं। और जब ये साइड इफेक्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाए, ये हमें ज्यादा हानि पहुंचाए, ज्यादा नुकसान पहुंचाए, तो हम इसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो
हर ड्रग के एटलीस्ट हमें एडवर्स इफेक्ट तो पता होना चाहिए, और साइड इफेक्ट तो हर ड्रग के होते हैं और कॉमन से होते हैं, ठीक है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट हमें हर ड्रग का पता होना चाहिए। जैसे लंबे समय तक जब हम एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं तो एंटीबायोटिक हमारे जीआई ट्रैक की जो लेयरिंग होती है उसकी शेडिंग होने लगती है, जिस वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। हमने जो कुछ न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाता है ना, स्टमक अपसेट होना। लंबे समय तक आप एनएसिड कंज्यूम करोगे तो इससे आपको पेप्टिक अल्सर होने की पॉसिबिलिटी है। पेप्टिक अल्सर भी आपके सिलेबस में है फार्माकोथेरापेटिक्स में, और एंटी एंटी अल्सर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ओमेप्राजोल, एंटेप्राजोल है ना, एंटासिड्स, एंटासिड्स भी हम यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटासिड्स क्या होते हैं, ये एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं। तो एच पायलोरी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्टमक में जो वुंड का फॉर्मेशन हुआ है उस वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है और इन्फेक्शन को इनहेंस करता है, तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एमोक्सिक्लेव है, एमोक्सिसिलिन हम दे सकते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो हम एंटीवायरल ड्रग देंगे, बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल देंगे, फंगल है तो एंटीफंगल ड्रग देंगे, तभी हमारा इन्फेक्शन ठीक होगा। तो इंसान की मुख्य रूप से बीमार पड़ने का कारण इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन का कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। आपके सिलेबस में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी है आपको, उससे भी क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, और किस बैक्टीरिया से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज होता है। वायरस के टाइप्स होते हैं, डीएनए टाइप का, आरएनए टाइप का, फंगस के भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो ये सब आपके सिलेबस में आपको इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, फंगस क्या होती है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन आपको कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ना है, और पिछले साल भी आपने पढ़ा था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, है ना। तो हमने अभी समझा फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेंगे, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, या राइट डाउन द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब दवाई किन किन तरीकों से बीमारी को ठीक करती है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो यहाँ पर आप एक रिसेप्टर देख सकते हो, है ना, यहाँ पर आप एक एंजाइम की एक्टिविटी का एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर आप आयन चैनल का रिसेप्टर देख सकते हो। देखो एग्जाम में पास होने के लिए आपको आपको कॉपियां अच्छे से लिखना जरूरी है, आपको ऐसे जैसे नहीं लिखना है, निबंध जैसे हम लिखते हैं ना, जो यहाँ से शुरू किया तो लिख रहे लिख रहे, फिर अगले पेज से शुरू किया लिख रहे लिख रहे, ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू, आपको डायग्राम्स के थ्रू है ना, को पॉइंट वाइज लिखना है, तो आपको अच्छी मार्किंग होगी। स्टूडेंट कहते हैं सर मैं कॉपी भर के आया फिर भी फेल हो गया, मैंने 30 पेज लिखे, पर लिखे आपने लेकिन किस तरह से लिखा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, और आपने बताया कि भाई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन देती है, ने यदि रिसेप्टर के चित्र बना दिए तो आपको फुल मार्किंग मिल जाएगी, नहीं तो आपने 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, चित्र नहीं बनाए। ये एंजाइम की एक्टिविटी का चित्र है, ये आपको बनाना है। ये आपका आयन चैनल, आयन चैनल कहाँ होते हैं, जब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने आपको किडनी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया था, अब बताया था ना किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, रीअब्सॉर्प्शन का काम करती है, तो वहां पर ये आयन चैनल पाए जाते हैं। आयन चैनल, आयन मतलब क्या, जिस पे चार्ज हो, दो टाइप के बताए थे आपको, कैटायन और एनायन, ऐसे आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और ऐसे आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने सारी क्लासेस सिंसियरली अटेंड की होगी, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये नेफ्रॉन में जब रीअब्सॉर्प्शन होता है तो जिन आयन की हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है उनको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। क्या हमको सोडियम की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, क्लोराइड की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सभी आयन हमारे शरीर में कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन, और न्यूरॉन में सोडियम सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज से जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। और इस कंडक्शन को यदि हम ब्लॉक कर दे तो हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट।
बॉडी का कोई पर्टिकुलर हिस्सा काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाएगा क्या? नहीं, है ना? तो ये हम अलग अलग तरीके से करते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे, ये सब हमारे सिलेबस में है, ठीक है? और फार्माकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप फार्माकोलॉजी समझोगे तो आप ये जान पाओगे कि दवाइयां हमारे शरीर पे बीमारी को कैसे ठीक करती है, दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दवाइयों का साइड इफेक्ट्स क्या है, और वो दवाइयां किन किन बीमारियों में यूज होती है। एक ही दवाई कई बीमारियों में यूज होती है, जैसे एस्प्रिन। एस्प्रिन आपका पेन किलर भी है, और एस्प्रिन का यदि मैं डोज बढ़ा दूं तो वो एज अ ब्लड थिनर भी काम करने लगता है। ब्लड थिनर मतलब खून को पतला करेगा। तो आपने हाइपरटेंशन के मरीजों में देखा होगा एस्पिरिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो हम लोग सोचते हैं यार एस्पिरिन तो एनएसएड कैटेगरी का ड्रग है, ये तो दर्द निवारक दवाई है, तो डॉक्टर ने हाइपरटेंशन के मरीज को क्यों दी है? वो इसलिए देता है ताकि उसका खून पतला हो जाए, यदि खून पतला हो जाएगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। डायबिटीज के मरीज का भी खून गाढ़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बढ़ जाता है, पानी में आप शक्कर ज्यादा डालोगे तो पानी की थिकनेस बढ़ेगी ना, विस्कोसिटी बढ़ेगी, श्यानता बढ़ेगी, ऐसे ही खून हमारा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि खून में आपका हाइपरलिपिडेमिया हो गया, मतलब लिपिड का लेवल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट बढ़ गया, फैट के बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ेगा, तो हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाएंगे, तो हाइपर टेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स आएगी, तो फिर बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए हमारे खून का पतला होना जरूरी है, ठीक है? तो ये आप रिसेप्टर के चित्र बनाओगे, ठीक है? ये आयन चैनल रिसेप्टर, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है? और ये है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो कहाँ पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। ह्यूमन बीन का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो ऐसे ड्रग्स है जो कि हमारे न्यूक्लियस पे काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर। और ऐसे ड्रग्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इंड्यूस करे या तो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाता है हाइपरटेंशन के केस में, ठीक है? एसीई इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। तो ये आपका एंजाइम, तो ये आपको समझ में आया ड्रग टारगेट साइट, किस तरह से ड्रग हमारे शरीर में काम करती है। ड्रग हमारे शरीर में फिजिकल एक्शन भी देती है, केमिकल एक्शन भी देती है, एंजाइम को इंड्यूस करेगी, एंजाइम को इनहिबिट करेगी, रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देगी, कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू अपना एक्शन देगी, है ना? तो ये ड्रग के काम करने के तरीके हैं, है ना? फिजिकल एक्शन का एग्जाम्पल क्या है? मैनिटॉल। और फिजिकल एक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एंटीडॉट, जो हम चारकोल यूज करते हैं, केओलिन यूज करते हैं, ये सब फिजिकल एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है? केमिकल एक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एंटासिड्स। एंटासिड का प्रिंसिपल क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, एसिड में आप बेस मिला दोगे एसिड न्यूट्रलाइज होने लगेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना? फिजिकल एक और एग्जाम्पल समझते हैं, मिर्ची। आपने यदि टंग पे मिर्ची रखी तो क्या होगा? माउथ से आपके सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ये भी फिजिकल एक्शन है। फिजिकल एक्शन का एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी जनरल लाइफ से कनेक्ट करता है, हाजमोला। आपने खाया है हाजमोला? हाजमोला जब हम टंग पे रख के चूसते हैं तो क्या होता है? हमारा सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। यदि किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और वो हाजमोला चूसे तो क्या होगा? सलाइवा का पीएच होता है बेसिक, स्टमक का पीएच होता है एसिडिक, और यदि हमारा सलाइवा हमारे स्टमक में जाएगा तो एसिडिटी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना, इसलिए हाजमोला चूसते हैं, है ना? और इसलिए कहते हैं कि एक निवाले को आप 32 बार चबाओ, 32 बार आप खाने को चबाओगे और आप खाने को एकाग्रता के साथ खाओगे तो क्या होगा? उसमें लार की मिक्सिंग होगी, जो आप निवाला आपके मुंह में उसका स्वाद आएगा आपको, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा, वाह कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया, और जैसे ये फीलिंग आएगी तो लार सिक्रीट होगी, है ना? कभी आपका टेस्टी फूड आपके सामने आ जाए और आपकी नजर उस पर पड़े तो मुंह में पानी आता है कि नहीं? है ना, मुंह में पानी आने लगता है, और जो लार होती है उसका पीएच होता है बेसिक। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो आप सुकून से खाना खाएं, तसल्ली से खाना खाएं, फोकस के साथ खाना खाएं, ऐसा नहीं खाना खा रहे हो और बातें दुनिया जहां की कर रहे हो और पता ही नहीं कि क्या खा रहे हो, है ना? मेरे घर पे एक छोटा बेबी है,
वो कार्टून देखते हुए खाना खाता है, उसकी थाली हटा दो पता ही नहीं चलता, नीचे हाथ कर देता है ना। कई बार आप खाना खाते वक्त सोचते हो तो ढक्का भी लग जाता है ना। मैंने बताया था आपको ढक्का क्यों आता है, शायद किसी ने क्लास अटेंड की हो। तो सोचेंगे हम और एकाग्रता के साथ खाना नहीं खाएंगे तो ढक्का भी लग जाता है ना। हिचकी आने लगती है, हिचकी क्यों आती है, हमारा जो फूड का कंटेंट है वो यदि हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक केवल एयर को प्रोसेस करता है और जीआई ट्रैक हमारे फूड को प्रोसेस करता है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम से हमें हवा मिल गई और जीआई ट्रैक से हमें फूड मिल गया, तो एयर की प्रेजेंस में फूड पान होता है और एनर्जी बनती है। तो एयर भी जरूरी है और फूड भी जरूरी है ना। एयर में हमको ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है हमारे शरीर में। इसलिए कहते हैं कि लंबी गहरी सांसें लेना बहुत जरूरी है ताकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल अच्छा रहे। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग चेक कर रहे थे ना कोविड टाइम पे कि भाई ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, SpO2 लेवल क्या है, SpO2 लेवल क्या है ना। तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए, यदि वो कम होगा तो जान जा सकती है। ठीक है, तो कोविड टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर यही बताता है SpO2 लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो ये है हमारा ड्रग टारगेट साइट, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम, कैरियर प्रोटीन, और ये है इसके डायग्राम। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाओगे तो आप लोग को एग्जाम टाइम में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिंक शेयर करता हूँ, टाइम पे आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, देखो ये ड्रग के काम करने का तरीका है, रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म और नॉन रिसेप्टर। नॉन रिसेप्टर में क्या आएगा, एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है, इंडक्शन और इनहिबिशन, और रिसेप्टर के टाइप्स मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा रिसेप्टर होता है GPCR, याद रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। सबसे बड़ा रिसेप्टर कौन सा होता है, GPCR। और ऐसे ड्रग्स हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग किस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और एग्जिट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी मतलब होता है लगाव, है ना। तो जब हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं और वो रिसेप्टर से बाइंड कर पाती है तो हम उसको बोलते हैं एफिनिटी। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ इट्स रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये ऐसे ही होता है जैसे की लॉक थ्योरी होती है, जैसे हमने ताले में चाबी डाली तो ताला खुल गया, वैसे ही ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो एक्टिविटी शो करेगी, है ना। और जो वो एक्टिविटी शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इफिकेसी, क्या बोलते हैं, इफी केसी, तो हम इफिकेसी बोलते हैं। ठीक है, या इंट्रेंसिक एक्टिविटी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू ट्रिगर द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ है। जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एक्शन प्रोवाइड करेगा, उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपके डिजायर्ड भी हो सकते हैं, अनडिजायर्ड भी हो सकते हैं, जिसकी हमको जरूरत है वो भी हो सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रेंसिक एक्टिविटी मतलब होता है ड्रग की इफिकेसी, इफिकेसी मतलब होता है दवाई की बीमारी को ठीक करने की क्षमता, पावर, उसकी एबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक एक्टिविटी। लिगेंड क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल विच अटैच सेलेक्टिवली पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट। लिगेंड आपको मैंने अभी बताया था, वो मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर से बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड आपका कोई एंटीजन भी हो सकता है, बाहर से भी आके कोई प्रोटीन, जो आपका एंटीजन होता है वो भी प्रोटीन से ही बना होता है ना, तो वो भी हमारे शरीर में बाइंड कर सकता है।
और बायोमोलिक्यूल का एग्जाम्पल मैंने आपको इंसुलिन दिया था, तो हॉर्मोन्स है ना इंसुलिन, तो इंसुलिन भी अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन देता है, तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, लिगेंड। ठीक है, तो ये आपको तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई, एफिनिटी क्या है, इंट्रेंसिक एक्टिविटी क्या है और लिगेंड क्या है। लिगेंड वो मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर से सेलेक्टिवली बाइंड करेगा, इंट्रेंसिक एक्टिविटी मतलब दवा की एबिलिटी एक्शन प्रोड्यूस करने की, एफिनिटी मतलब क्या, रिसेप्टर से बाइंड होने की टेंडेंसी। एगोनिस्ट आपको मैंने बताया था, एंटागोनिस्ट बताया था। एगोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टर से बाइंड होके सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में पेनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, सेल में ग्लूकोज को एंट्री मिल जाती है, और यदि इंसुलिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, यदि बीटा सेल्स हमारे डैमेज हो जाए या इंसुलिन ना प्रोड्यूस कर पाए, तो उस केस में हमको एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ता है ना, जो हम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, तो वो इंसुलिन क्या है, एगोनिस्ट कहलाएगा। समझ गए, जो रिसेप्टर से बाइंड करेगा और एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और एगोनिस्ट में एफिनिटी भी होती है और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी होती है। एंटागोनिस्ट क्या है, ये एक्शन को प्रिवेंट करेगा एगोनिस्ट के, मतलब जहां पर एगोनिस्ट बाइंड होगा वहां पर एंटागोनिस्ट यदि बाइंड हो गया तो वो जो साइट है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी और हमें एक्शन मिलेगा क्या, एक्शन नहीं मिलेगा। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इसमें एफिनिटी तो होती है लेकिन एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते, ये एक्शन को एंटागोनाइज कर देते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होंगे, जो रिसेप्टर से बाइंड तो होंगे लेकिन फुल फ्लैश में अपना एक्शन नहीं देंगे, आधा एक्शन देंगे, 50%। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होंगे, मतलब रिसेप्टर से बाइंड करके जस्ट अपोजिट एक्शन देंगे, तो उसको हम इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पर आप की लॉग थ्योरी देख सकते हो, ये है रिसेप्टर, ये है हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर, हमारी बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ना, सेरेटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है, एड्रेनालिन है, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर है। और ये देखो की जब लॉक में गई और उसको हमने घुमाया तो लॉक खुल गया और की एज इट इज बाहर आ गई, तो की को कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, ताला खोल देती है, ताला बंद कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा एगोनिस्ट। पर एंटागोनिस्ट क्या है, देखो यहाँ पर हमने जिस खेत में चाबी जाने वाली थी उस खेत में हमने लकड़ी छेड़ दी, तो बताओ चाबी जाएगी क्या, नहीं, और चाबी नहीं जाएगी तो ताला खुलेगा क्या, नहीं, मतलब जो एक्शन आना है वो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये है एंटागोनिस्ट। तो यदि किसी एक्शन को हमें रोकना है, ब्लॉक करना है, तो हम उस केस में एंटागोनिस्ट दे देते हैं। तो एंटागोनिस्ट देने से क्या होता है बताओ, ताले में चाबी जाएगी क्या, नहीं, एक्शन आएगा क्या, नहीं। तो एंटागोनिस्ट क्या है, ये लकड़ी, और एगोनिस्ट क्या है, ये चाबी। ठीक है, ये देखो ये एगोनिस्ट, ये रिसेप्टर, एगोनिस्ट रिसेप्टर का ये इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और ये एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर, ये दोनों का इंट्रैक्शन हुआ, लेकिन यहां पर एक्शन आएगा और यहां पर एक्शन नहीं आएगा, समझ गए। ये ड्रग है हमारा जो एक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसमें एफिनिटी भी है और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी है, और यहाँ पर एंटागोनिस्ट ने यदि इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो हमारा ड्रग ऑक्यूपाई कर पाएगा क्या, नहीं, तो एक्शन नहीं आएगा, तो नो ड्रग एक्शन। ये फोर फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिससे हमारा ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है, वंडरवॉल और हाइड्रोजन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्डिंग मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई थी। ये देखो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल होता है, और ये रिसेप्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये प्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर है, ये भी रिसेप्टर है, ये लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड वो जहां पर ड्रग हमारा बाइंड करता है, ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस पे ये रिसेप्टर दिए हुए हैं देखो, और यहाँ पर हमारा जो ड्रग बाइंड करता है बायो मॉलिक्यूल, और ये देखो ये रिसेप्टर के टाइप, पहला टाइप है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जिसमें जिसका एग्जाम्पल है कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, जिसमें आता है आपका निकोटिनिक और मस्कैरिनिक, दो टाइप के रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जिसका एग्जाम्पल है इंसुलिन का रिसेप्टर, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिसका एग्जाम्पल है स्टेरॉइड का रिसेप्टर। तो यहाँ पर ये फोर टाइप के रिसेप्टर आपको नजर आ रहे हैं, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ये रिसेप्टर आपको जरूर बनाने हैं, और इस स्लाइड को देख के आपको नोट्स बनाने हैं आपके, तभी आप अच्छा कर पाओगे, मतलब
और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर का डिस्क्रिप्शन है और यहां पर इसका एग्जांपल दिया है, गाबा ग्लाइसिन ये सब इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। और एक्साइटेटरी एक्शन कौन शो करता है, ये सब मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाया था, एसिटाइल कोलीन सेरेटोनिन ये सब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी ग्लूटामेट एक्शन शो करते हैं हमारी बॉडी में। ये आपका एसिटाइल कोलीन का रिसेप्टर है, ठीक है। एसिटाइल कोलीन को शॉर्ट में ACH बोलते हैं, और ये किसमें काम करता है, पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम कोई ड्रग ओरल रूट से लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है और लीवर में जाता है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन जब हम कोई पेरेंट्रल रूट से लेते हैं तो सीधे वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। यदि हम इंसुलिन को ओरल रूट से लेंगे तो उसको स्टमक डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको लीवर डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको एज अ प्रोटीन कंसिडर करेगा। तो बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो केवल पेरेंट्रल रूट से ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो किसी ड्रग का हमारे लीवर से होके फर्स्ट टाइम गुजरना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। ये हमारा लीवर और ये हमारी गट वॉल, गट मतलब आपकी दीवार, ठीक है। और जब हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी आंत से अवशोषित होता है और पोर्टल सिस्टम हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लीवर में जाता है, और लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है एंजाइम की हेल्प से। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर देखो कुछ रूट दिए हुए हैं, जैसे ओरल रूट माउथ से ड्रग लिया जाता है, पिल्स टेबलेट लिक्विड। रेक्टल रूट मतलब एनस का जो केनाल होता है, पाइंस के केस में, बगंदर फिस्टुला के केस में सपोजिटरीज आती है, इंट्रावेनस वेन में दिया जाता है। मैं एग्जाम्पल है आपका इंट्रावेनस का एग्जाम्पल है, कुछ पेन किलर इंजेक्शन है ना, वो हम इस रूट से देते हैं। इंट्रा आर्टेरियल है, इंट्रा मस्कुलर है, जो स्केलेटल मसल्स में दिए जाते हैं, जैसे वैक्सीन है। सबक्यूटेनियस रूट से हम इंसुलिन देते हैं, और ये सब इसके इनहेलेशन रूट है। लंग्स जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं सीओपीडी और अस्थमा के, है ना, एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। टॉपिकल में लोकल सरफेस पर ऑइंटमेंट आई ड्रॉप्स ये सब आते हैं, ये सब आप देख ले रहे हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन का टेबलेट आता है, चेस्ट में पेन के लिए दिया जाता है। ये देखो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, नाक जो मॉलिक्यूल है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, नॉन आयनाइज्ड जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं।